नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के पीलीभीत जनपद पहुंचे भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री और मध्य प्रदेश के दमोह के सांसद प्रहलाद पटेल ने सरकार की योजनाओं पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नदी जोड़ो अभियान के तहत कैन बतवा परियोजनाओं में पीलीभीत की नदी को सरस्वती के माध्यम से मध्य प्रदेश के कैन नदी को जोड़कर जल जीवन मिशन को बढ़ावा देने की बात कही है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आप सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने अपराध और भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उनका पकड़ा जाना काफी जरूरी है। लेकिन जो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो आज भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में बंद है। वहीं दिल्ली को देश का ऐसा राज्य है जिसकी सरकार के एक तिहाई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। वहीं उन्होंने कहा है कि यह देश का पहला ऐसा शिक्षा मंत्री है जो शराब घोटाले में पकड़ा गया है। वहीं पार्टी जो ईमानदारी और स्वच्छता की बात करती है, यह सब इसी आधार पर यहां तक पहुंचे हैं। और पहले भी इसका एक मंत्री पकड़ा गया था जिसको 9 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी, जिसके बाद से उन्होंने इसका इस्तीफा दिया था। वे तो ने आर्थिक अपराध भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उनका बंद होना तो जरूरी था। लेकिन मुझे लगता है कि जो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे वो आज भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में है। ये भारत के ऐसा राज्य है दिल्ली की सरकार जिसके एक तिहाई मंत्री जेल में है। अलीगढ़ के थाना सोरावर क्षेत्र में एक युवक की देर शाम हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल युवक के साथ ही बैठकर शराब पार्टी करते वाले दोस्तों ने ही युवक को चाकू से गोंदकर हत्या कर दी है। घटना की जानकारी मिलते के बावजूद ही पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, देरी से पहुंची, जिसकी वजह से परिजनों ने इस मामले को लेकर जमकर हंगामा काटा है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या घटना हुई है यहाँ पर? इनके लिए 10 मिनट 20 मिनट पहले दारू पी रही थी। कौन कौन? ये और एक साके, उनके साथ दो आदमी आए थे बाहर के। तो उनका नाम तो मुझे मालूम नहीं, साकिर का नाम मालूम आ रहा हूँ। तो वो यहाँ दारू पी रहे थे, साकिर में चाचा लगता है, वो मुंह बोला चाचा खड़ा हो रहा है, कह बेटा जाओ। हम चले गए थे तो आके देखे हमने लाश पर, कैसे हमला कराया, किससे मारा? चाकू से, चाकू भी यहाँ से गायब कर दिए। अच्छा, यहाँ पड़े थे अभी 10 मिनट। आप बता रहे हैं पुलिस के क्या थे? पुलिस के मुखबर थे साहब। अच्छा, इसके लिए काम देते हैं इनके लिए? अच्छा, ये दरोगा है यहाँ के, इन सब के लिए काम देते थे। अच्छा, हाँ जी सर। तो इनकी डेथ हो गई है? डेथ हो गई सर। पुलिस मौके पर आई है? हाँ, पुलिस मौके पर नहीं आई, 2 घंटे बाद आई है। 2 घंटे बाद आई है। ये पुलिस, ये बीजेपी की सरकार है, काय की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ साहब। कौन सी जगह है ये? अलीगढ़ है साहब। अलीगढ़ कौन सा मोहल्ला? अलीगढ़ महबूबनगर साहब। यूपी के फतेहपुर जिले में कोल्ड स्टोर में आलू लदे ट्रक ने गैस पाइपलाइन को टक्कर मार दी, जिससे गैस का रिसाव शुरू हो गया और गैस के रिसाव के चलते हड़कंप समझ गया। कोल्ड स्टोर में मौजूद मजदूरों की हालत बिगड़ने लगी। वहीं ट्रक चालक सहित 4 मजदूर बेहोश हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ सभी का इलाज चल रहा है। वहीं DM SP ने बता दें कि अनाउंसिंग करवाने के बाद से अलर्ट जारी किया है और लोगों को मास्क और गमछे का इस्तेमाल कर सुनिश्चित जगह पर पहुंचने की बात कही है। वहीं गैस रिसाव का तांडव लगभग 3 घंटे तक चला है। 500 मीटर तक पूरा फैल चुका था, बहुत क्रिटिकल पोजीशन थी। इस समय हम आए थे, हमने BSF का प्रयोग करते हुए और मैं अंदर मशीन रूम में अपने कर्मचारी को उतारा, सामने गाड़ी में बैठ कर पीले कपड़े से अपने आप उसको करता रहा, उससे बात करता रहा। और कोल्ड स्टोर के मैकेनिक का भी अगर हमने उसमें सहयोग लिया कि उसके बाल किए गए आइडेंटिफिकेशन के लिए और टॉर्च से ले जा करके पूरी तरह से तत्काल प्रभाव से उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा आध घंटे की एक एक्सरसाइज के बाद में। हापुड़ में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं 1.5 साल के बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल कार के टायर फट गया था, जिसके कारण
कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर खड़े कैंटर में जा घुसी। तभी पीछे से आ रही एक और कैंटर ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि हादसा दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बता दें कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के पास का हुआ है। हादसे में कार सवार दो युवक, एक महिला और साथ ही 4 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई है। राहगीरों के मामले की सूचना पुलिस को दी है। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर घायल बच्ची को अस्पताल भेजा है। दो की शनाखत की गई है और साथ ही बता दें कि कार मुरादाबाद से दिल्ली की ओर जा रही थी। जैसे ही कार हापुड़ में केचसर चौपाला के पास पहुंची तो कार का टायर फट गया, जिससे कार अनियंत्रित हो गई। आज रात्रि 3:30 बजे NH 9 पर ग्राम रसूलपुर के सामने थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में एक रेड्स कार दिल्ली की ओर जाती हुई एक खराब खड़े कैंटर से टकरा गई तथा पीछे से आ रहे 1100 ने भी उसमें टक्कर मार दी, जिससे रिट्स बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वह उसमें 2 पुरुष, 1 महिला व 1 बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई है। 1.5 वर्ष का बच्चा घायल अवस्था में देवनंदिनी में एडमिट कराया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री गरीबों को घर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आगरा में कई अधिकारी इस सपने को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 11 साल के बाद भी बता दें कि 3,640 आवास अपने मालिकों के इंतजार में जर्जर हो चुकी है और अधिकारी जांच जांच कर का खेल खेलते नजर आ रहे हैं। दरअसल सरकार में गरीबों को आवास देने की योजना के तहत मौजा नारायच कालिंदी बिहार में बता दें कि 127 करोड़ की लागत से 3,640 आवास बनाए गए थे। 11 साल बाद भी उद्घाटन से पहले ही अपनी बदहाली पर आंसू बहाते ये आवास नजर आ रहे हैं। 11 सालों में सरकारें बदलती रही लेकिन किसी ने सुध तक नहीं ली और मामले में लीपापोती करते हुए नजर आए हैं। वहीं टूंडा के आगरा विकास प्राधिकरण को इस योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। आवासों को लेकर लगातार मीडिया अधिकारियों को जगाने की कोशिश करती रही है, जिसके बाद साल 2020 में आगरा विकास प्राधिकरण ने रुड़की के ITI टीम ने 57 लाख रुपए के खर्च कर जांच की और जिम्मेदारी दी है और साथ ही जांच रिपोर्ट में 65% मकान रहने लायक नहीं बताया गया है। इस मामले पर जब आगरा विकास प्राधिकरण सचिव गरिमा सिंह से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ऑफ कैमरा बताया है कि इस पूरे मामले में संबंधित अवर अभियंता और सहायक अभियंता पर कार्रवाई की स्तुति की गई है और जल्द ही परिणाम आपको दिखाई देगा। उस जांच में उन्होंने कुछ आवासों को रिनोवेट करके ठीक करने के और कुछ आवासों को निष्प्रयोज्य घोषित किया उन्होंने, लेकिन वो स्पष्ट नहीं था कि इसमें कौन से आवास ऐसे हैं जिनको जो निष्प्रयोज्य माने जाएं, कुछ कौन से आवास ऐसे हैं जो कि रिपेयर किए जा सकते हैं। इसके लिए आगरा विकास प्राधिकरण बात कर रहा है ADA से, ID रुड़की से, तो वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें कुछ हो पाएगा। सहारनपुर के ग्राम माजीपुर में गश्त पर गए पुलिसकर्मियों की बाइक के सामने जंगली जानवर आ जाने से बता दें कि हेड कांस्टेबल और साथ ही होमगार्ड का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहाँ से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए हार्ट सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। बेहट में संदिग्ध परिस्थिति में अचानक आग लगने से 2 दुकानों में लाखों का सामान, कीमती सामान जलकर खाक हो गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। बदायूं जिले के बिसौली केशवा मौर्य कॉलोनी में बीते रात चोरों ने बंद पड़े मकान को निशाना बनाया है और ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ करते नजर आए। आपको बता दें कि मामला जनपद के बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के नगर बिसौली का है, जहां पर मौर्य कॉलोनी में जगन्नाथ उर्फ छोटा लाल बेटे मदन लाल का मकान है। छोटा लाल नोएडा में रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं और बच्चे का भरण पोषण करते हैं। वहीं बीती रात उनके मकान में ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और साथ ही अलमारी में रखे हुए सारे सामान लेकर वे फरार हो गए हैं। मेरा नाम धर्म। कहाँ रहते हो? मौर्य कॉलोनी में। बिसौली में? बिसौली। क्या हुआ रात? रात में करीब 12-1 बजे टाइम चोरी हुई थी। घर में कोई इस घर में रहता ना था। किसका मकान है? मेरा मौसा का मकान है, छोटे लाल का। फिर
इसमें रास्ते पे आके हमने देखा था तो उसमें तारे टूटे हुए थे, 1,25,000 रुपए का माल था वो चोरी हो गया था। क्या माल जेवर था? सब सोने चांदी? हाँ, और वैसे सौदा कोई चोरी ना करी। जब पुलिस से शिकायत की अभी नहीं? ना अभी तो ना करिए। पुलिस के लचर कार्यशैली से चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बीते रात बेखौफ चोरों ने एक मोबाइल की दुकान पर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और साथ ही जिसकी कीमत करीब 1,75,000 के आसपास की बताई जा रही है। घटना को अंजाम देकर बेखौफ चोर आराम से मौके से फरार हो गए। हालांकि चोरी की पूरी घटना जो है दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित की तहरीर पर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। लेकिन रायबरेली कानपुर हाईवे पर जिस तरह से बेखौफ चोरी की वारदातें सामने आ रही है उससे पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरी दुकान पे चोरी हो गई सर। क्या क्या गया? सारे एंड्रॉइड सेट जितने लगे हुए थे सारे चोरी हो गए, जिसमें कि 16 मोबाइल थे, एक बचा है, बाकी 15। लगभग कितनी कीमत में होगी सर जी? कोई 6,000 का है, कोई 12,000, कोई 15,000 के हैं। इसी तरह से अलग अलग सेट हैं, अलग अलग रेट हैं। लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग 2,25,000 के। रायबरेली में दबंगों में कानून का खौफ नहीं दिख रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ रील बनाकर एक वीडियो पोस्ट करने का सिलसिला लगातार जारी है। अवैध तमंचे के साथ ही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से पुलिस में हड़कंप मचता हुआ नजर आया है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रदेश में कभी गर्व माने जाने वाले बुलडोजर की आहट से अब लोगों के दिल दहलते नजर आ रहे हैं। दरअसल बता दें कि बुध बाजार में बुलडोजर गरजने लगा है और गरजते नजर आया तो वही व्यापारियों की आंखों से आंसू छलकते नजर आए। वहीं नगर निगम द्वारा मकानों पर लाल निशान लगाने के बाद से घर टूटने के डर से लोग सहमे नजर आ रहे हैं और साथ ही बता दें कि इसको लेकर लोगों ने एक जुलूस निकाला है और कलेक्टर के सामने प्रदर्शन करते नजर आए हैं। और प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि दौलत बाग स्थित बिजली घर के पास वाल्मीकि उद्यान में नागफनी थाने का निर्माण कराया जाना था, इसके लिए यहां बने घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। नगर निगम की टीम ने ध्वस्त किए जाने वाले भवनों पर लाल निशान लगाया है। नगर निगम की इस प्रक्रिया से गुस्साए लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है और इस मौके पर लोगों ने कहा है कि नगर निगम ने वर्ष 2015 में थाने के लिए जमीन आवंटित की थी, जबकि वहां करीब 30 वर्ष से पुराने मकान बने हुए हैं। सभी भवन गरीबों के, जिन्होंने जीवन भर की पूंजी लगाकर अपने बता दें कि इस मकान को बनाया है, जिसका आशियाना अब टूटने का लोगों में एक डर देखने को मिल रहा है। अमेठी में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। वहीं परिजनों ने शव को अंतिम संस्कार कराने से इनकार किया है और डीएम ने मौके पर बता दें कि पहुंचे हैं और साथ ही इस दौरान डीएम ने मांग करते हुए नजर आए हैं लोग और साथ ही बता दें कि डीएम को बुलाने की मांग करते हुए लोग नजर आए। मौके पर एसडीएम सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात नजर आई है और ये पूरा मामला आपको बता दें कि मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के भदौर गाँव का बताया जा रहा है। ये अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है, क्या बात? हमारी कुछ मांगे हैं, हमारा ये है कि डीएम साहब यहाँ हैं और हमारी मांगे पूरी करें। वहीं गौ तस्करी के मामले में पिछले 2 सालों से फरार चल रहे 15,000 के इनामी गौ तस्कर को खोखराबाड़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। खोखराबाड़ पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि बता दें कि फ्लोरेन ढाबे पर इनामी बदमाश कहीं भागने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तस्कर को पकड़ा है। वहीं पूछताछ में उसने अपना नाम संतोष सिंह, निवासी परसौनी थाना पटहरवा गांव का बताया है। जनपद कुरुपुर में अपराधियों अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना खोराबार को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने 15,000 रुपये के अपराधी संतोष सिंह, जो कि कुशीनगर पटहरवा का रहने वाला है, यह व्यक्ति अपनी पिकअप गाड़ी को गौ तस्करों को देता था। पिछले 3 साल से फरार था। इसकी पिकअप गाड़ी से प्रतिदिन इसको प्रति ट्रिप पर 25,000 रुपये का फ़ायदा होता था, इसीलिए ये अपनी पिकअप गाड़ी किराए पे देता था। गाड़ी 2020 में पकड़ी गई थाना खोराबार में, लेकिन यह अपराधी वांछित था, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हम आगे की विधिक कार्रवाई।
आगरा के थाना एतमा ददौला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चार लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गिरोह बता दें कि चोरी और लूट की घटनाओं को कई बार अंजाम दे चुका है। ये लोग राहगीरों से चलते हुए मोबाइल चेन और की चुनौती करते हुए घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 16 मोबाइल और साथ ही नकदी बरामद की है। पुलिस अब इन लुटेरों को जेल भेज रही है। आगरा पुलिस कमिश्नरेट के थाना एतमा ददौला में चार साथी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं अजहर पुत्र अताउल रहमान और दूसरा है मुन्ना पुत्र साहिबा, तीसरा है गोलू पुत्र जमील और चौथा है अमन पुत्र अख्तर। ये चारों एतमा ददौला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये शातिर चोर और लुटेरे हैं। इनसे पूछताछ के दरमियान इन्होंने पूर्व की बहुत सारी घटनाओं को कबूला है और उसके सापेक्ष इनके पास से बरामदगी भी हुई है। इनके पास से कुल बरामदगी 16 मोबाइल की तथा 2500 रुपये की हुई है। जो 16 मोबाइल है उसमें कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो पूर्व के मुकदमों में चोरी में मुकदमा पंजीकृत था, वो इनके पास से बरामद हुआ है। यूपी के फतेहपुर में बता दें कि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से बाउंड्री कराकर कब्जा करने के आरोप में सपा नेता पर लगाने होते हुए ग्रामीणों ने डीएम के नाम पर अधिकारियों को शिकायत पत्र देते हुए कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। जिला मुख्यालय कलेक्टर परिसर पहुंचे ग्रामीणों ने अधिकारियों को शिकायत पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि बंदकी तहसील के अकबरपुर क्षेत्र में गढ़ी लोहड़ी में स्थित कब्रिस्तान की जमीन बता दें कि गांठा संख्या 335 में कई सालों से शव दफन किया जा रहा है और आने वाले शबे बारात के लिए अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान को सही कराने पे पहुंचे सपा नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर कब्रिस्तान के खंभों को उखाड़ फेंका है और जमीन पर बाउंड्री करवा दिया है और साथ ही जिसकी शिकायत एसडीएम से लेकर सीएम तक के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसकी शिकायत पीड़ितों ने कई जगह पर की है, एसडीएम को भी की है, प्रशासन से भी की है, लेकिन अब तक इस मामले पर कार्रवाई नहीं हुई है। हरदोई में शिकायत की जांच करने गए एक कांस्टेबल का साइकिल स्टैंड संचालक और साथी के द्वारा पीटने और कान काटने का मामला सामने आया है, जिसमें बता दें कि दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल हरदोई के शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्त में आए ये वही दो दबंग हैं जिन्होंने सिपाही की पिटाई की है और साथ ही उसका कान काट दिया है। सनसनीखेज मामले थाना कोतवाली शहर इलाके के आरआर इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां पर कोतवाली शहर के ड्यूटी पर तैनात सिपाही प्रेस प्रिंस कुमार मारपीट में प्रकरण में जांच कराने गए थे। पुलिस के मुताबिक आरआर इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र ने साइकिल स्टैंड संचालक रोशन लाल पर मारपीट का आरोप लगाया है। छात्र का आरोप है कि रुपये के लेन देन से लेकर रोशन लाल ने उसके साथ मारपीट की है। और बता दें कि अगली खबर हरदोई से है, जहां पर हरदोई के पाली कस्बे में दबंगों ने एक टेंट हाउस संचालक को दुकान में घुसकर गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की है। दबंगों की दबंगई का ये सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दुकान में हो रही मारपीट का यह वीडियो पाली कस्बे का बताया जा रहा है। एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है, ये पाली कस्बे का है। ये जानकारी में आया है कि टेंट हाउस है, उसकी दुकान के अंदर कुछ लोग घुस के उससे भद्रता और हाथापाई कर रहे हैं। इसकी जांच करके इसमें अभियोग शीघ्र ही पंजीकृत किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में हो रही निरंतर वृद्धि को कम करने के उद्देश्य से अनवरत रूप से यातायात विभाग और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से यातायात जागरूकता अभियान चला रही है और इस दौरान यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यातायात जागरूकता कैंप का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर मैजिस्ट्रेट अंकुर श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया है और यातायात नियमों के प्रति सभी को जागरूक करते हुए नजर आए हैं। इस तरह के अभियान अनवरत रूप से चलते रहना चाहिए, ये उनका कहना है और साथ ही
उनका कहना है कि लोग नियमों को जानते तो हैं पर उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अपने जीवन से खिलवाड़ ना करें, यातायात नियमों का पालन स्वयं ही करें, दूसरों को भी इसको लेकर जागरूक करें। जीवन अनमोल है, मानव जीवन एक ही बार प्राप्त होता है, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। जनपद बिजनौर में डीएम उमेश मिश्रा ने आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में नकल विहीन, स्वतंत्र और साथ ही शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है और परीक्षा केंद्रों पर संचालित सीसीटीवी कैमरे की कार्यशीलता का भी निरीक्षण किया है और साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे प्रश्न पत्र, साथ ही बता दें कि उत्तर पुस्तिका के लिए भी जिला स्तरीय स्ट्रांग रूम बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पाए पर संतोष व्यक्त किया है और साथ ही तैनात प्रभारी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए हैं। राजकीय इंटर कॉलेज बता दें कि पहुंचने के बाद उन्होंने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया है और तमाम जगहों पर जाकर दिशा निर्देश भी देते नजर आए हैं। जालौन में त्योहारों के नजदीक आते ही मिलावटखोरों की खबर सामने आने लगती है, जिसको लेकर सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नायब तहसीलदार जालौन के नेतृत्व में छापेमारी हुई है। कई दुकानों से सैंपल लिए गए हैं तो कई दुकानदार शटर डाउन करके भागते नजर आए हैं। वहीं शटर डाउन कर भागते दुकानदारों की दुकानों पर विभाग ने नोटिस चिपका दिया है और पूरा मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के जालौन नगर का बताया जा रहा है। देखिए, आगामी होली पर्व के दृष्टिगत देखते हुए हमारा आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन और अधिकारी के निर्देशन के क्रम में ये खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम गठित की गई है, जो कि हर जगह जगह जाके दुकानों का निरीक्षण कर और मिलावटी खाद्य पदार्थों को संग्रहित कर नमूना उनका संग्रह कर प्रयोगशाला प्रेषित किया जाएगा जी। जिसके क्रम में आज दिनांक में हमारे मजिस्ट्रेट साहब के साथ और हम डीओ और बाकी हमारी टीम खाद्य सुरक्षा अधिकारी यहाँ बाजार में आए। हम लोगों को टीम के देख के कई व्यापारी यहाँ अपना शटर बंद करके चले गए जी। उस दुकानों से यहाँ नमूना संग्रहित कर उसको प्रयोगशाला भेजा जा रहा है जी। और जो व्यापारी जो बंद करके गए हैं उनकी दुकानों पर नोटिस चस्पा कर उन्हें चेतावनी दी गई है और उनके विरुद्ध आगे खाद्य सुरक्षा मानक नियम के तहत अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।